हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया, देन हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड रहता है। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल टू होता है 0.0174 रेडियन। तो अपने को मालूम है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, आपको मालूम है साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, सबको पता है। साइन 30 मालूम है हाफ होता है, साइन 45 1/√2, बट साइन 61 डिग्री आपको नहीं मालूम है। बट दिस साइन 61 डिग्री इज वेरी नियर टू साइन 60 डिग्री। तो हम लोग देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी हियर वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। आपको साइन 61 डिग्री दिया, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री। सो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 61 डिग्री को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। एक हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस आई कैन राइट हियर 1 डिग्री, ऐसे दो पार्ट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू रहेगा आपका वो 60 डिग्री ले लेंगे हम लोग, और एच स्मॉल वैल्यू रहता है तो उसको 1 डिग्री ले लेंगे हम लोग। यहाँ तक हो गया। नाउ सी हियर, आपको क्या दिया है यहाँ पे, साइन 61 डिग्री दिया है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन अज्यूम करूँगा, सो आई विल राइट हियर लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये अज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे साइन 61 डिग्री चाहिए तो साइन का फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको मालूम है इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है कॉस एक्स आता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे हम लोग। क्या करना है आपको, ए का जो वैल्यू है ना यहाँ पे 60 डिग्री, वो आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करना है। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 में एक्स के प्लेस पे आपको ए पुट करना है और ए का वैल्यू 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर पुट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता ही है √3/2 होता है, ये लिख दिया। एक्स का वैल्यू आप पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू आएगा ये इक्वल्स टू आएगा देखो आपका यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का आपको वैल्यू मालूम है कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो मैंने यहाँ पर देखो हाफ लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, देखो फार्मूला आपका ये है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, फार्मूला इज एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू होता है एफ डैश ऑफ, ये फार्मूला आपका है। एफ ऑफ ए प्लस एच का मीनिंग होता है जो आपको क्वेश्चन पूछा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ये साइन 61 डिग्री हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर साइन 61 डिग्री दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है √3/2, तो आई विल राइट हियर √3/2 प्लस एच कितना है, एच इज 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एफ डैश ए, एफ डैश ए इज यहाँ पर हाफ मिल रहा है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा √3/2 का वैल्यू आपको मालूम है, √3 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1.732, तो आई विल राइट हियर 1.732 डिवाइड बाई 2 प्लस। अब यहाँ पर देखो 1 डिग्री लिखा है और क्वेश्चन में आपको 1 डिग्री का वैल्यू मेंशन किया है 0.0174, तो आई विल राइट हियर 0.0174 इंटू हाफ मीन्स यहाँ पर डिवाइड बाई 2 आएगा, सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू,
1.732 प्लस 0.0174 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4, सो दिस इज 4, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 1 दिस इज 4, 7 प्लस 0 तो ये आपका 7 हो जाएगा एंड 1, सो दिस इज 1.7494 डिवाइड बाई 2, सो डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना आता। दिस इज 0.28 16, 2 7 आएगा 14, 2 4 आएगा यहाँ पे 8 एंड 2 7 आएगा 14। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, साइन 61 डिग्री का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.8747। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और सम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सब क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 29 डिग्री 30 मिनट given that 1 degree equal to 0.0175 radian and root 3 value is 1.732। ठीक है, तो हम लोग इसका देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपको सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, आपको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ 29 डिग्री कॉमा यहाँ पर लिखा है 30 मिनट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपने को मालूम है 29 डिग्री 30 मिनट दिस इज सेम एज हम लोग इसको 29 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं हम लोग। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री हो जाएगा यानी कि 0.5 डिग्री हो जाएगा। सो एक्चुअली ये 29.5 डिग्री हो जाएगा। तो साइन ऑफ 29.5 का तो अपने पास फॉर्मूला नहीं है बट साइन 30 का वैल्यू मालूम है आपको। तो 29.5 डिग्री यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, दिस यू कैन राइट 30 डिग्री माइनस आप लिख सकते हो 0.5 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 29.5 डिग्री मीन्स 30 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, तो देयरफॉर आपको यहां से ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए इक्वल टू 30 डिग्री और एच वेरी स्मॉल, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.5 डिग्री हो जाएगा। राइट, साइन दिया हुआ है तो हम लोग एक फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे साइन एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x, साइन x का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos x होता है, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू आपको a सब्स्टिट्यूट करना है। सो आई विल राइट x इक्वल टू a इक्वल टू कितना 30 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है हाफ होता है या आप 0.5 लिख सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका देखो एफ डैश ए, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू आपको मालूम ही है रूट 3/2 होता है। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला देखो अपने पास है एफ ऑफ ए प्लस एच दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फॉर्मूला है इसका। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच का मीनिंग होता है जो आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, देखो यहाँ पर साइन ऑफ 29 डिग्री कॉमा देखो यहाँ पर 30 मिनट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हाफ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ प्लस एच का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 0.5 डिग्री इंटू व्हाट इज एफ डैश ए, एफ डैश ए आपको रूट 3/2 दिया है। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ, तो वैसे ही रहेगा आई विल राइट हियर हाफ प्लस माइनस, देखो माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0.5 डिग्री है तो 0.5 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 डिग्री को आप हाफ भी लिख सकते हो, हाफ डिग्री, हाफ इंटू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 डिग्री इक्वल टू होता है 0.0175 रेडियन, तो ये हाफ डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री इंटू कितना करना पड़ेगा आपको 0.0175 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू रूट 3 का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, रूट 3 का वैल्यू है 1.732, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इंटू 1.732, ठीक है, और ये डिवाइड बाय आपका 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका हाफ माइनस, ठीक है,
0.0175 को 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग और 1.732 को 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.0175 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 0.0 और यहाँ पर आएगा आपका 0.28 16 हो जाएगा और ये 2.7 हो जाएगा 14 और ये 2.5, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 0.28 16 और ये हो जाएगा आपका 1.26 12 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2.6 12.866 आएगा। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करके कितना आता है, हाफ मतलब कितना हो गया आपका 0.5 माइनस सी 0.00875 इंटू 0.866, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 0.00875 इंटू 0.866 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.00757775 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो इसको। अभी सब्ट्रैक्शन करना है जस्ट आपको, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख देंगे, 0.5 माइनस 0.00757775 वो आंसर मिलेगा 0.492422, ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया है। नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 60° 30' इट इज गिवन दैट 1° इक्वल टू 0.0175 रेडियन, रूट 3 वैल्यू इज 1.732। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे हमें थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 60° 30' गिवन दैट 1° इक्वल टू 0.0175 रेडियन एंड रूट 3 वैल्यू इज 1.732। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे कॉस दिया है 60° 30' है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, सो दिस 60° एंड दिस इज 30', इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60° प्लस 30' मीन्स आपको मालूम है 30' का मीन्स होता है 1/2 degree बिकॉज 1° इक्वल टू होता है 60', सो 30' मीन्स 1/2 degree। तो 1/2 degree मतलब आप यहाँ पर 0.5° लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको A का वैल्यू ले लो आप 60° और H का वैल्यू स्मॉल रहता है दैट इज 0.5° हो गया ये। अब आपको फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, तो आई विल राइट हियर लेट f ऑफ x इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको cos पूछा है राइट, cos 60° 30', तो हम लोग फंक्शन f ऑफ x क्या लेंगे, cos x ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद का रूल आपको मालूम है, डिफरेंश इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे या इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे हम, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x और ये मालूम है आपको cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है कि x का वैल्यू दैट मीन्स a का वैल्यू 60° आपको इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू दैट इज a इक्वल टू 60° इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ a का वैल्यू है 60° एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा cos 60° और cos 60° का वैल्यू आपको मालूम है, cos 60° होता है 1/2 होता है, पता है आपको ये। नेक्स्ट अभी हम लोग पुट करेंगे f डैश ऑफ a और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 60°, तो f डैश ऑफ 60° इक्वल विल बी माइनस साइन और x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 60°, तो माइनस 60° मीन्स माइनस 60° आपको मालूम है √3/2 होता है। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब मैं अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड फार्मूला आपके पास है, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, ये फॉर्मूला है। f ऑफ a प्लस h मीन्स गिवन क्वेश्चन हो गया, गिवन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60° 30', तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos, दिस विल बी योर 60° 30' एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है हाफ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाफ प्लस व्हाट इज h, h इक्वल टू देखो यहाँ पे 0.5° है, तो आई विल राइट हियर 0.5° इन टू f डैश a, f डैश a हमने यहाँ पर निकाला हुआ है माइनस √3/2, तो आई विल राइट हियर माइनस √3/2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा,
सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ तो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.5 डिग्री है, तो ऑलवेज डिग्री को हम रेडियन में हमेशा कन्वर्ट करेंगे आंसर निकालने के लिए। तो आपको मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर दिया है देखो, 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन, सो 0.5 डिग्री इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 0.0175 एंड देन मल्टीप्लाइड हियर, रूट थ्री का वैल्यू भी आपको मालूम है, रूट थ्री का वैल्यू है 1.732 और ये डिवाइड बाई टू, 0.5 इंटू 0.0175 इंटू 1.732, ये तीनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये हाफ को मैं वैसे लिखता हूँ माइनस, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.015155 मिलेगा, आप मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर सकते हो, 0.5 इंटू 0.0175 इंटू 1.732 अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 0.015155 और ये डिवाइड बाई टू है, 1 माइनस 0.015155 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 0.9848 और ये 45 मिलेगा, डिवाइड बाई टू करते हैं हम लोग, सो देखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता है, तो ये डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4924225 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है, दिस ये आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू आएगा 0.4924225 आपका फाइनल आंसर है। फाइंड आउट करना है टैन 45 डिग्री 40 मिनट गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल 0.0175 रेडियन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, सो आई विल राइट हियर, देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया आपको 45 डिग्री 40 मिनट है, सही है 45 डिग्री और ये प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर जो 40 मिनट है मैं उसको ट्राई करूँगा डिग्री में कन्वर्ट करने का, तो ये देखो आपका 45 डिग्री एज इट इज़ रहेगा प्लस 40 मिनट, अब 40 मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, देखो आपको ये कंडीशन मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 40 मिनट्स में कितना डिग्री आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 60 और ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल होगा, 2 2 2/3 आएगा, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.666 मिलेगा, तो आई विल राइट हियर 0.67 अप्रॉक्सीमेटली, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका इतना डिग्री। सॉल्व करते हैं, सो देयरफॉर आई विल राइट हियर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए को 45 डिग्री लेते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ एच आएगा आपका 0.67 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे आप, यू विल राइट हियर लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टैन दिया है तो हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स ले लेंगे, लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, अभी डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, टैन एक्स का डेरेटिव आपको मालूम है, टैन एक्स का डेरेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आई विल राइट हियर सेक स्क्वायर एक्स, दिस यू पुट एज अ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मालूम क्या करना है, ए का जो वैल्यू है 45 डिग्री हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आई विल राइट हियर पुट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज़ 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा आपका देखो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस विल बी टैन ऑफ ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, सो टैन 45 डिग्री आपको मालूम है वैल्यू 1 होता है, नेक्स्ट आपका आएगा एफ डैश ऑफ ए, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और आपको मालूम है सेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, सेक 45 कितना होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो कॉस 45 आपको आना चाहिए, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो सेक 45 का वैल्यू कितना आएगा, सेक 45 का वैल्यू आएगा √2, तो ये हो जाएगा देखो आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 2, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो सिंस सेक 45 डिग्री इक्वल टू आता है √2, मालूम है आपको, यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए मिल गया आपको, 2 आ गया इसका वैल्यू, अब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला आपको मालूम है सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन का, एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स आपका जो गिवन क्वेश्चन है, तो गिवन क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है
tan of 45 degree, comma, this is 40 minute approximately equal to f of a. देखो हमने यहाँ पर find out किया है 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 plus what is h, h का वैल्यू देखो हमने यहाँ पर find out किया 0.67 degree multiplied by f dash a देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 2 आया है, f dash of a is 2, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो 0.67 डिग्री है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 0.0175, सो 0.67 डिग्री में कितना हो जाएगा रेडियन, तो ये हो जाएगा 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.0175 और ये आपका इंटू 2, तो एज इट इज़ रहेगा, सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, 1 प्लस 0.67 इंटू 0.0175 इंटू 2 करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 1 प्लस, ये हो जाएगा आपका 0.02345 आपको मिलेगा 0.02345, अब इसको ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.02345, ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया, देयरफॉर आई कैन राइट हियर टैन ऑफ 45 डिग्री कॉमा 40 मिनट्स इक्वल टू 1.02345, ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। उस इक्वेशन में थर्ड देखो आपको दिया, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट सब क्वेश्चन है टैन इनवर्स ऑफ 0.999, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, देखो आपको यहाँ पर दिया है 0.999, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि टैन इनवर्स ऑफ 1, टैन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है 45 डिग्री या उसको हम लोग बोलते हैं पाई बाय 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.99 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, सो 0.999 आई कैन रिप्लेस एज 1 माइनस 0.001 भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 में से 0.001 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.999 मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर a का वैल्यू देखो आपका मिल गया 1 और h का वैल्यू मिल गया माइनस 0.001 स्मॉल वैल्यू, अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन अज्यूम करेंगे, तो आई विल राइट हियर लेट f ऑफ x इक्वल टू टैन इनवर्स दिया है, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू टैन इनवर्स x अज्यूम करेंगे, दिस आई विल राइट एज अ इक्वेशन नंबर 1, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दिस इज f डैश ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, आपको मालूम है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x2, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, नाउ अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नाउ पुट x इक्वल टू a दैट इज 1 इन इक्वेशन नंबर 1 and 2, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा आपका f ऑफ a, दैट मीन्स f ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45 डिग्री या तो आप उसको लिख सकते हो पाई बाय 4 रेडियन, तो मैं पाई बाय 4 रेडियन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सेम वे फाइंड आउट f डैश ऑफ a, तो दिस इज इक्वल टू f डैश ऑफ a मीन्स 1 हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1/1 + x का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, सो दिस यू विल गेट 1/2 मतलब आप लिख सकते हो 0.5। नाउ बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, तो अपने पास फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस एच इंटू f डैश ऑफ a, ये फॉर्मूला है अप्रॉक्सीमेटली, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, देखो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है पाई बाय 4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पाई बाय 4 प्लस एच का वैल्यू, आपको मालूम है एच इज माइनस 0.001 माइनस 0.001 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय f डैश ए कितना निकाला हमने यहाँ पे 0.5 निकाला है, तो इनटू मैं कर दूंगा 0.5, सो देखते कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाय 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.001 इंटू 0.5 करना है, दिया जाएगा आपका 0.000 और ये 5 हो जाएगा, और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू पाई का वैल्यू, आपको मालूम है पाई का वैल्यू होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, तो आई विल राइट हियर 3.14 / 4 - 0.005,
3.14 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.785 मिलेगा, माइनस 0.005। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन करके क्या आता है यहाँ पे आंसर। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 0.78। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देयरफॉर टैन इनवर्स ऑफ 0.999 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया 0.78। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो सम सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है टैन इनवर्स 1.001, इसका आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1.001 इसको स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1+0.001 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 ले लेंगे और एच का स्मॉल वैल्यू दैट मीन 0.001 ले लेंगे हम लोग। हम लोग फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको टैन इनवर्स दिया है, हम लोग टैन इनवर्स एक्स ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। सो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/1+x² होता है। सो दिस आई विल कीप एज ए इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हाँ, दोनों में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आता है। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा आपका f ऑफ a, दैट मीन्स f ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, और आपको tan इनवर्स 1 का वैल्यू मालूम है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 डिग्री यानी कि π/4 होता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट f डैश ऑफ a, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1/1+1² दैट इज 1/2, तो 0.5 हो जाएगा आपका ये। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, फार्मूला आपको मालूम है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फार्मूला आपके पास है। एफ ऑफ ए प्लस एच का मीनिंग गिवन क्वेश्चन हो गया आपका, तो गिवन क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है टैन इनवर्स 1.001 इक्वल टू व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हमने यहाँ पर निकाला है π/4, तो आई विल राइट हियर π/4 प्लस व्हाट इज एच, एच का वैल्यू है 0.001 एंड देन मल्टीप्लाइड एफ डैश ए का वैल्यू 0.5 लिखा हुआ है हम लोगों ने। सो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग π/4, हाँ तो π/4 आई कैन राइट 3.14/4 बिकॉज पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मालूम है 3.14, ये डिवाइड बाई 4 करेंगे प्लस 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करना है आपको, ये हो जाएगा 0.000 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये मिलता है आपको 0.785 मिलता है प्लस 0.00 और ये 5 हो जाएगा। सो दिस इज फाइनल आंसर इज 0.78 और यहाँ पर आएगा आपका 5, 5, ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। दैट मीन्स टैन इनवर्स 1.001 का वैल्यू आएगा 0.7855। सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई रेस टू 0.995 लिखा हुआ है, 0.995 है तो 0.995 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1-0.00 में से 0.005 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.995 मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपको ए और एच का वैल्यू मिल जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा आपका 1 और एच का होता है स्मॉल वैल्यू -0.005 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा आपका ई रेस टू एक्स फंक्शन लेंगे एंड दिस आई विल पुट एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, दिस यू पुट एज ए इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं हम लोग। अभी आपको क्या करना है जस्ट पुट एक्स इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर, पुट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 1 इन बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो देखते हैं वहाँ से क्या आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलेगा एफ डैश ए, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा एफ ऑफ ए, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू यू विल गेट हियर ई रेस टू 1 मिल जाएगा, ई रेस टू 1 का वैल्यू ई आता है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एफ डैश ऑफ ए, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू मिलेगा आपको ई रेस टू 1, यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिल जाएगा ई, सेम थिंग मिलेगा बिकॉज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है।
नाउ बाय यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, फार्मूला आपको मालूम है एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फार्मूला है अप्रोक्सीमेशन का। तो जस्ट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखते क्या आंसर आता है यहाँ पे। एफ ऑफ ए देखो हमने निकाला है ई प्लस एच का वैल्यू आपको मालूम है माइनस 0.005, तो आई विल राइट हियर माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ए, तो एफ डैश ए का वैल्यू आपको मालूम है ई है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, कैन टेक ई कॉमन, हाँ मैं ई कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका 1 - 0.005 मिल जाएगा। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.005 इज नथिंग बट 0.995 हो जाएगा ये। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई का वैल्यू आपको मालूम है, ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71828 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है ये, मल्टीप्लाइड बाय 0.995 करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर दो सिंस ई इक्वल टू 2.71828, तो सिंप्लीफाई करते देखते फाइनल आंसर क्या आता है इसका। सो 2.71828 मल्टीप्लाइड बाय 0.995, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 2.7047 अप्रॉक्सीमेटली, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई रेस टू 2.1, इट इज गिवन दैट ई स्क्वायर इक्वल टू 7.389 दिया है। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने इसके पहले का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे हम सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ई रेस टू 2.1 दिया है, तो व्हाट आई कैन डू हियर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.1 को स्प्लिट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 0.1, दिस वे आई कैन राइट, सेम थिंग है। तो यहाँ से आपको देखो ए का वैल्यू मिल जाएगा 2 और एच का स्मॉल वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.1, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या आएगा ई रेस टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x का वैल्यू जो है a पुट करेंगे, सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू a दैट इज 2 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है, दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस यू विल गेट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f ऑफ a दैट मीन्स f ऑफ 2 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको e रेस टू 2 मिलेगा, और e रेस टू 2 का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में 7.389, दिस इज गिवन है। नाउ फाइंड आउट f डैश a, तो f डैश a दैट मीन्स f डैश ऑफ 2, तो सेम थिंग आएगा e का स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यू 7.389 आपको दिया है क्वेश्चन में। नाउ वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, तो देखो फार्मूला अपने पास है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू होता है, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स आपका गिवन क्वेश्चन है ई रेस टू 2.1, ये हो जाएगा ई रेस टू 2.1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू मिला है आपको 7.389 प्लस h का वैल्यू आपके पास है 0.1, तो आई विल राइट हियर 0.1 मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ a, सेम थिंग 7.389, ठीक है। सो सिंपल वे से सॉल्व करना है, सो दोनों भी टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं 7.389 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 1 + 0.1, सिंप्लीफाई, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.389 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 हो जाएगा। सो देखते हैं आपका फाइनल आंसर क्या आता है, ई रेस टू 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 8.1279, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई रेस टू 2.1, आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो आपको दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3 - 2.01, इट इज गिवन दैट log 3 इक्वल टू 1.0986, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, तो हम लोग देखो यहाँ पे आपको दिया 2.01, सो दिस आई कैन राइट 2 + 0.01, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको स्प्लिट करके, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा इंटीग्रल पार्ट 2 और h का स्मॉल वैल्यू दैट मीन 0.01 हो जाएगा। अब हम लोग फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो आई विल राइट हियर लेट f ऑफ x इक्वल टू, देखो आपका जो क्वेश्चन है
वो 3 raised to सम नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 raised to x लिखेंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 3 raised to x, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सो दिस इज एफ डैश एक्स इक्वल टू, आपको मालूम है 3 raised to x का डेरिवेटिव, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a raised to x इंटू लॉग a, तो 3 raised to x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3 raised to x इंटू लॉग 3 आएगा। दिस आई विल पुट एज अ इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 पुट x इक्वल टू a, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू a दैट इज 2 इन बोथ द इक्वेशन दैट इज 1 and 2, तो दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। Therefore you will get here f of a का मीनिंग मिल जाएगा आपको f of 2 का वैल्यू, तो f of 2 का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर आपको 3 raised to 2 दैट इज़ ये 9 हो जाएगा। फाइंड आउट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 f dash of a का मतलब f dash of 2 हो गया, तो यहाँ से मिलेगा आपको x का वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, तो 3 raised to 2 इंटू log 3 आएगा, सो दिस इज़ 3 raised to 2 इंटू लॉग 3 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 3 का square 9 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉग 3, तो लॉग 3 आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया है, लॉग 3 का वैल्यू है 1.09 और ये 86 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको एफ डैश ए मिल जाएगा 9.8874 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ ए मिल गया। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन, तो फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्विवेलेंट टू होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फॉर्मूला आपके पास है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हमने यहाँ पर निकाला है 9, तो ये जो आपका 9 प्लस वॉट इज एच, एच है 0.01, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय वॉट इज एफ डैश ए, एफ डैश ए निकाला है हमने 9.8874, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 9.8874 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.01 से, तो ये हो जाएगा आपका देखो 0.098874 हो जाएगा, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.098874, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स क्वेश्चन, दैट मीन्स 3 raised to 2.01 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 9.098874, आपका देखो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.2 टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।